यस एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है इसमें ये असर सॉरी हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. आपको ये बताना है अगर एक व्हील है और इस व्हील का रेडियस आपको कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर गिवन है तो इसको 352 मीटर जाने में कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा कितनी बार इसको रोटेट होना पड़ेगा. तो जब आप पहिया एक बार रोटेट होता है देखो यहां से चला घूम के उसको यहीं पर आना है एक बार रोटेशन होना इसका मतलब है कि वो एक बार जब रोटेट होता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर करता है. तो पहले हमने यही चीज कैलकुलेट करी डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन किसके बराबर होगा सर्कमफ्रेंस के बराबर. फॉर्मूला रखा सर्कमफ्रेंस का 2πr 2 की जगह 2 रखा पाई की जगह 22/7 रखा और r की जगह 28 दिया है तो हमने 28 रख दिया. इसको सॉल्व किया इट इज 176 सेंटीमीटर. टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है टोटल डिस्टेंस 352 मीटर. अब ये है मीटर में और ये हमें दिया है सेंटीमीटर में तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हमने इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब सीधे फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ रोटेशन का. फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन. टोटल डिस्टेंस ये निकाला हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन ये निकाला सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 176 से ये पूरा 200 टाइम्स में कैंसिल हो गया. सो आंसर इज 200. याद रखना है इस 200 में कोई यूनिट नहीं लगानी है. जब भी किसी चीज का कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें यूनिट नहीं आती है. एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दिया है आपको द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन वन आवर. ठीक है आपसे पूछा बोला गया है कि ये घड़ी है इस घड़ी का मिनट हैंड जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और अगर ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस आता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो पहली बात तो ये जितना भी आपको मिनट हैंड की लंबाई दी है उसको आप हमेशा रेडियस मानेंगे. ठीक है दूसरी बात ये आपको ये बोला है कि ये एक घंटे में एक घंटे का मतलब हो गया वापिस यहां पर आ गया तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये सर्कमफ्रेंस के बराबर करेगा. तो वही चीज हमने लिख दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड इन वन आर इक्वल्स टू 2πr 2 की जगह 2 रखा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी 3.14 दिया तो वो रख दिया मल्टीप्लाइड बाय 15 3.14 ऐसी लिखा 2 को पहले 15 से मल्टीप्लाई किया 30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स 94.20. क्लियर.